आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रीना एंड फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से और अभी मैं और मम्मी कर रहे हैं नाश्ता। आज हमारे नाश्ते में बना हुआ है फूल गोभी के पराठे जो कि मैंने बनाए, पापा जी और बच्चों ने, नानी और ने सब ने खा लिया, तो वो तो धूप में जा रहे हैं, ये भी अभी जाएगी थोड़ी देर में। तो मैं और मम्मी बैठे हैं अभी खाना खाने के लिए। चलो एक बार खाना खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मम्मी के साथ काम करेगी मम्मी घर का थोड़ा, तो हाथ बढ़ा दूंगी मैं भी मम्मी का। तो अभी मेरा मम्मी हम सबका नाश्ता हो गया है और अभी मैं हो गई हूँ जाने के लिए तैयार। मैं जा रही हूँ सब्जी वाले अंकल जी के यहाँ। पापा ने कल थोड़ा नारियल मंगाए थे पीने वाले, नारियल पानी, तो वो लेके आ जाऊँगी। और जरा मेरा पर्स भी टूटा हुआ था तो उसे भी मुझे सिलवाने को दिन था, वो सिलवा के फटाफट से आ जाऊँगी। तो आ गई हूँ मैं नारियल लेने और अब लूँगी मैं नारियल, उसके बाद निकलूँगी घर। नारियल बाहर ये बेटा। अच्छा ये कितना हुआ इसका? 4-4 अब किसको फोन, आप पीछे बताता भी काम चल रहा है। तो ले लिया मैंने अभी नारियल और अब निकलूंगी मैं घर की तरफ। आ गई मैं अभी घर और लेके आ गई मैं जो नारियल लेके आने थे। अब पापा जा रहे हैं जरा पोस्ट ऑफिस से, तो अब मैं मम्मी के साथ करूँगी काम थोड़ा, झाड़ू पोता मम्मी मारेगी, मैं झाड़ू मार दूँगी। अभी मम्मी करिएगी गंदी सफाई और इसने मुझे आते हुए देखा तो ये भी नीचे आ गया था, तो ये धूप सेक रहा था। चलो करती हूँ काम। तो अभी आ गई हूँ मैं धूप में, यहाँ पे काट रखे हैं फ्रूट्स और काटेंगे घर के संतरे जो नानी जी और घर से लेके आए थे। पहले फ्रूट्स खा लेंगे, अभी मम्मी भी आएगी ऊपर। घर का काम तो हम लोग का हो गया है, थोड़ा धूप सेकते हैं उसके बाद नीचे जाके मम्मी खाना बनाएगी, फिर दिन का खाना करेंगे। तो हम धूप में से धूप सेकने गए थे, वहाँ से भी आ गए और अब मम्मी यहाँ पर बना रही है दिन का खाना। और आज दिन के खाने में मम्मी दाल चावल के साथ साथ कुछ और अलग स्पेशल भी बना रही है। वो क्या बना रही हूँ मैं आपको यहीं पे दिखाती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने दाल भी फ्राई कर दी है, रख दिया वहाँ पे हरी सब्जी। और जो स्पेशल बना रही है वो बना रही है छाछ और चावल को मिला के छछड़ी, हमारे यहाँ छछड़ी बोलते हैं, वैसे आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे। और छछड़ी बनाने के मम्मी ने इसमें डाल दिया आटा थोड़ा सा हल्का सा, इसमें जीरा और लहसुन प्याज का तड़का तो पहले ही लगा दिया था, अब इसमें डाल दिया जीरा, सॉरी इसमें डाल दिया आटा, इसको हम थोड़ा घुमाते रहेंगे। और इसमें हल्दी, मसाले डालना शुरू कर दिया मम्मी ने, मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, इसको थोड़ा मिक्स करते रहेंगे। मम्मी वहाँ और चीज़ें निकाल रही थी, तो ये जो चावल भिगा रखे थे दो के भिगाए देखो तो वो भी डाल देगी। कितने देर तक भिगाए रखा तुमने ये चावल? लगभग एक घंटा इसे भिगा के रखे चावल छछड़ी बना के पहले। और चावल जो भिगाए हैं उसे भी थोड़ा हल्का फ्राई करना है इसे मसालों के साथ। यहाँ पे वैसे अगर कहीं कहीं से चावल ना डाल के इसमें जमूरा जो होता है वो भी डालते हैं, तो हमारे यहाँ चावल को घर वाले घर में डाल के नानी जी गाँव के जो खिचड़े चावल होते हैं वो डालती थी, तो हमने उसी से बनाया छाछ डाल। और अब इसमें छाछ डालेंगे मट्ठा जो घर का रहता है छाछ, तो ये वाला मेरी मौसी जी ने भेजा हुआ था जब मैं परसों बता रही थी कि अम्मिया वाला रहते सामान के, तो मौसी ने भेजी हुई थी। थोड़ी देर तक ऐसे घुमाते रहेंगे जिससे ये नीचे बैठ ना जाए जो चावल है, लग ना जाए इसके नीचे। हाँ ये नीचे नहीं तो कढ़ाई पे लग जाता है। इसमें ये धनिया काट रखा मैंने, और यहाँ पे मम्मी ने जो धनिया और हरे पत्ते हैं हल्के फुलके डाले के थोड़ा हरा करने के लिए, तो वो भी काट के डाल दिया। अब इसे काफ़ी देर तक मम्मी घुमाती रहेगी,
यहाँ पे बन रही है मम्मी खास रेसिपी छछेड़ी। ऐसा मम्मी पहले भी बना के खिलाती हमें, खिलाती थी ठंडियों में, पर आज मम्मी स्पेशली बना ली थी तो मैंने कहा चलो इसका वीडियो ही बना देते हैं। हमने वैसे दाल और सब्जी भी बना रखे हैं, पर क्योंकि पापा तो कड़ी खाते नहीं है, छाँ को कुछ खाते नहीं है, तो इनके लिए दाल बना रखी है, सब्जी बना रखी, रोटी बनाएंगे और साथ में चावल। अच्छा कोई थोड़ा चावल भी बनाएंगे, पर ये छछेड़ी जो जो छछेड़ी खाना चाहेगा उसके लिए छछेड़ी, क्योंकि मैंने ही बोला था मम्मी को आज, मैंने कहा थोड़ा छछेड़ी बना दे घर की छाँ रखी है, मैंने बना दी मेरे लिए। तो अभी मम्मी इसे घुमाने पे लगी है, बना रही है, क्योंकि इसे अगर बिना मतलब अगर इसे छोड़ देंगे ऐसे ही घुमाएंगे नहीं तो छाँस जो होती है वो फट भी जाती है, इसीलिए रेगुलर इसे घुमाना पड़ता है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो अभी इसमें उबाल आने लगा है और मम्मी ने इसमें नमक नहीं डाला था, तो अब नमक डाल देगी मम्मी इसमें थोड़ा। ये चोरू, चोरू को क्या मतलब क्या होता है? ये रहता जड़ बूटी रहती है ना, माना गाँव में मिलता है चोरू, से भी अच्छी खुशी आती है, नमक में भी डालते हैं चोरू, जो गढ़ वाले मुझे समझ जाएंगे। चोरू मतलब एक वो होती है, क्या बोलते हैं, अरे जड़ी बूटी, जड़ी बूटी जैसा होती है जिसे सब्जी मसालों में यूज, मसाले के रूप में नमक यूज होता है, पीसो अच्छी खुशबू आती है, कड़ी में डालो अच्छी खुशबू आती है। ये मतलब एक जड़ जैसी होती है, मम्मी ने वो पीस रखी है वैसे कूटते हुए कहीं कहीं, तो ये हम माणा से लाए थे ना, मम्मी ने माणा से मंगाई थी नागी से, वो लेके आया था। चोरू हो गया, फरण होगा, जो लोग जानते होंगे गढ़वाली या जैसे उत्तरकाशी और ठंडे इलाकों में होता है ये, तो हम माणा से लेके आए थे, वो भी डाल दिया मम्मी ने, इससे अच्छा खाने में अच्छा टेस्ट आता है। ये देख सिम करेंगे गैस, तो इसे धीमी आंच पे पकने देंगे आप, क्योंकि इसमें उबाल आ गया तो अभी नीचे नहीं लगेगा, अभी थोड़ी देर में पकेगा, जब हम लोग खाएंगे इसे बनने के बाद खाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हम सब खाना खाने लगे हैं अभी दिन का, और मम्मी ने जैसे मैंने जो बताया था खिचड़ी, तो मम्मी ने यहाँ पे खिचड़ी बना दी है हरी सब्जी और इसमें घी भी डाल दिया है, अब इसे खा के देखेंगे कि कैसी हो रही है। आप भी खा रहे हो? थोड़ा पापा भी खाएंगे। यहाँ पे हमारे तो दाल भात खा रहा है, ये भी घी नहीं डालना, दो दे ये घी। नानी कैसे हो रही है छछेड़ी, बड़े हो? अभी हम पापा से पूछेंगे कि कैसी हो रही है। बनाए थे जो कौन बनाए थे मां? मां तब तो बढ़िया होगी कि मैं खराब बनाती। पापा बता, अब मैं भी टेस्ट करूंगी कि कैसा हो रहा है। पापा निकर में इसलिए पापा क्योंकि अभी अपने गाड़ी धुल रहे थे, इसलिए निकर पहन रखे पापा ने। अच्छा अभी हम हो रहा है शाम के साथ, और हम लोग की शाम की चाय भी हो गई, और अभी मम्मी ने हमारे बनाया तेड़ू, जो हमारे घर के बगल में जो प्लॉट है वहाँ पोया रहता है, तो वहाँ से निकाला तेड़ू बना रखा है, इसमें से नानी औरों को सबको दे दिया, और हमारे लिए भी रखा हुआ है यहाँ पे। और आज रात के खाने में यहाँ पे बन रहा है कणक, अभी तो दूध बॉईल करने के लिए रख रखा है, तो ये बनता है आटे का और चीनी का। तो पहले एक बार खा लेते हैं तेड़ू, उसके बाद थोड़ी देर में जब पापा कणक बना देंगे तो वो भी खाएंगे। यहाँ पे मूसी और रितु खा रहे हैं पेस्ट्री, डॉलर भी बगल में बैठा हुआ है इंतजार में अपने खाने के। इसने तो पूरा मुंह पे लगा लिया है, बैठ जा। अच्छा अभी हम लोगों ने खा लिया है तेड़ू, और यहाँ पे पापा जी बना रहे हैं कणकू, तो पापा जी यहाँ पे बना रहे हैं कणकू, इसमें दूध डाला हुआ है, आटा है, घी, चीनी तो लास्ट में डालते हैं ना इसमें। आटे में मिला दिया चीनी, तब से गोले नहीं बनेंगे, तो गोले नहीं बनेंगे। अच्छा आटे में ही मिलाते हैं ना चीनी। तो
इतना अच्छा ये खाने में होता है, इतना बनाना इसे मुश्किल भी है। इसे काफ़ी देर तक ऐसे घुमाने पड़ता है, नहीं तो इसमें गोले बन जाते हैं, मतलब गांठे बोलते हैं जिससे गांठे बन जाती है। तो जब तक पापा जी ये बना रहे हैं तब तक मैं वहाँ से घी में बर्तन धो लूँगी। अभी यहाँ पे बन गया है कणकू, और पापा जी अब जा डाल रहे हैं इसमें घी, तो घी डालने के बाद भी थोड़ा घुमाएंगे, उसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा कणकू। और ये घी नानी जी लाई है घर से, घर का घी। तो यहाँ पे मम्मी लगाने लगी है सबके लिए कणकू, और ये मेरे लिए रखा है घी भी ऊपर से डाल के। तो इसमें मैं और रितु खाएंगे, और ये जो कणकू है हमारा रितु भी खाता है। यहाँ पे मूसी खा रही है, और यहाँ पे पापा जी खा रहे हैं कणकू, और ये सोच रहा कि मेरे को नहीं दे रहे। इसने अभी पोटी की थी तो मैंने इसे साफ किया है, और यहाँ पे बाहर पे नानी जी खा रहे हैं। तो चलो हम भी खा लेते हैं अभी ये। इसको देखो ये बैठा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे रितु खा रहा है कणकू खाड़ा, तो यहाँ पे रितु खा रहा है कणकू। हाँ खिला दे। हाँ घी डाले इसने मेरे हाथ में, खा ली। क्या खा रहे हैं? यहाँ पे भी खा रहा है कणको। कैसा हो रहा भाई? वहाँ पीछे मम्मी खा रही है, डॉलर को भी दे रखा, पर वो फिर भी सोच रहा मुझे और मिलेगा, तो हम भी खा लेते हैं। खिलाओ मम्मा को। मैंने वो बिल्ली को दे देना, ये ले। तो अभी हम लोगों ने कर लिया रात का खाना भी, और अब मैं इसको सोने की तैयारी कर रही थी, पर ये सो ही नहीं रहा है, इधर उधर घूमने पे लगा है। मम्मी को परेशान कर दिया उसने, बार बार बेड से नीचे उतर रहा है, और पापा और नानी और सब अपने अपने कमरों में चले गए हैं सोने। डॉलू को सुला दिया तूने? तो अब हम लोग भी आराम करेंगे, और इस वीडियो का एंड भी यहीं पर करेंगे, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।